रेलवे DRM मधुकर रत्नाकर उज्जैन जिले के नागदा पहुंचे और विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने नागदा स्टेशन पर लोगों की परेशानियों को उनके समक्ष रखी। वहीं मधुकर द्वारा कार्य को जल्दी पूरा करने का आश्वासन दिया गया। साथ ही गुर्जर मीडिया से रूबरू भी हुए। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल अजय शर्मा जी और अन्य कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेता लोगों ने DRM से मौजे से नागदा में आप रेलवे की जिन समस्या की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें नागदा रेलवे स्टेशन मंडी साइड में से एक मार्ग है MG रोड का, और हम विकल्प के तौर पर कन्या स्कूल से सीधे थाउजेंड गलोजी के अंदर पूरा एक नया रास्ता निर्माण की बात कही है। बिलग्राम से सीधा बिलग्राम थाने तक जो गली जमीन है और उस पर भी नए मार्ग के निर्माण की बात कही, जिससे कि हमारे क्षेत्र के लोग आगमन की सुविधा दृष्टि रहे। दूसरा यहाँ पे जो नया रेलवे और ब्रिज है उससे सीधे वहाँ पर बाईपास ब्रिज से जोड़ने की हमने मांग करी है, और रेलवे की विभिन्न समस्याओं सुलभ कॉम्प्लेक्स की आवश्यकता है। हमने यहाँ पर बाहर एक राष्ट्रीय तिरंगा झंडा लगाने की भी उनसे अनुरोध किया है, और रेलवे की यहाँ पर जो स्टेशन समस्या है और कई रेलवे संबंधित नई ट्रेन चलाने के संबंध में उनसे हमने ज्ञापन देकर चर्चा करी है, और आश्वस्त करा कि हम इसके विचार करके शीघ्र पूरा करने का। सर उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला फिर? मतलब बिल्कुल उसका परीक्षण करा लेंगे, रेलवे जा रहे हैं, जनता जितना होगा उसको करेंगे। एक प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 तक जाने के लिए यात्रियों को परेशानी होती है, जो कि उनको घूमकर जाना पड़ता है। जी, हमने बात करी कि एक लिंक बना दें जिससे कि हमारे यात्रियों को असुविधा नहीं हो, तो बिलाराम क्षेत्र में एक नया प्लेटफॉर्म बनाने की मांग भी हमने करी कि बिलाराम क्षेत्र में एक नया प्लेटफॉर्म बनाया जाए, उधर एक नया साइकिल स्टैंड वगैरह बनाया जाए और अन्य सुविधा उपलब्ध कराई जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।